अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो को स्टार्ट किया मैंने ट्रेन से। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी, उसकी स्वेटशर्ट्स लेनी थी, क्योंकि स्कूल में यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं होता, मतलब बच्चे जो है वो कैजुअल कपड़े ही पहन के जाते हैं, तो डेली बच्चों को जो है वो कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि बाहर भी खेलते हैं बर्फ़ वगैरह में, तो फिर कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो बस मुझे उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ अपनी भी लेनी थी, तो मैंने सोचा आज जो है वो चलते हैं इस वीकेंड पर शॉपिंग पर। अच्छा जी, इस टाइम जो है ना शॉपिंग मॉल्स में और हर जगह जो है ना वो बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, मतलब क्रिसमस की वजह से। एक तो डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई होती है, और दूसरा ये कि सारी शॉप्स पे जो है वो तकरीबन 50% सेल चल रही होती है, क्योंकि ये सीज़न जो होता है ना ये शॉपिंग का सीज़न होता है। अच्छा, रश भी काफ़ी होता है। तो हम लोग मॉल पहुँच गए थे, तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, आप लोग जो है वो थोड़ा सा शॉपिंग को एंजॉय करें, और एंड में मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली थी। तो मैंने शॉपिंग जो है वो प्राइमार्क से की थी, क्योंकि मुझे वहीं से करनी थी, बस उसी शॉप पे हम लोग गए थे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अपनी बेटी की चीज़ें दिखा रही हूँ। तो वहाँ से उसके लिए ये वाला स्वेटर लिया था। अच्छा, ये सेल में मिल गया था, ये तकरीबन 10 यूरो का था, जो कि हमें 7 यूरो में मिला था। अच्छा, उसके साथ ये कैप भी थी मैचिंग की, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो ये भी ले ली थी हमने। ये भी सेल में थी, तो ये भी 3 यूरो की मिली थी हमें, ओरिजिनली ये 6 यूरो की थी। अच्छा, इसका स्टफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये काफ़ी अच्छा है स्वेटर। और दूसरी उसने ये हुडी ली थी ब्लू कलर में। अच्छा, ये जो है वो 7 यूरो की थी, 7 यूरो की थी। अच्छा, इस तरह की स्वेटशर्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा थी, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थे। और दूसरी उसने ये वाली ली थी पिंक कलर में, तो ये 10 यूरो की थी, और इसका नीचे से यूं डिज़ाइन बना हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, अभी ये स्वेटशर्ट्स ही पहनी जाती हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो इसी तरह की शर्ट्स और हुडी वगैरह चलती हैं। और दूसरा उसने ये वाली पेंट ली थी उसके लिए मैंने। अच्छा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा फैब्रिक है, मतलब थोड़ा सा विंटर के लिए ना थिक सा फैब्रिक है। और दूसरी ये वाली जीन्स ली थी। अच्छा, जो नीचे वाली पैंट थी वो तकरीबन 8 यूरो की थी, और जो जीन्स की पैंट्स हैं वो 9 यूरो की थी दोनों। तो मैंने दो कलर लिए थे, एक डार्क में लिया था और एक लाइट में ले लिया था उसके लिए। और मैंने उसके लिए जो है वो पीजेज लिए थे, ये 2 का सेट था, जो कि 12 यूरो में मिला था, और इसमें भी जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, तो ये मुझे एक अच्छा लगा, तो ये ले लिया हमने।
यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी भी साथ ही अपनी चीज़ें दिखाने आ गई थी। उसने कहा कि मेरी चीज़ें जो है ना मैं खुद ही दिखाऊंगी। तो अभी जो मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने लिए एक स्वेटर लिया था घर में पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास इस तरह का बटन वाला एक ही स्वेटर था, तो मैंने एक ये लिया था। अच्छा, ये भी मुझे जो है ना वो सेल में मिला था। ये था 17 यूरो का था, जो कि मुझे मिला था 10 यूरो में, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिला था और ये इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, इस तरह के स्वेटर जो है ना बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, मतलब बटन वाले, या तो वो ओपन होते हैं कार्डिगन होते हैं, या तो फिर वो स्वेटर स्टाइल में होते हैं बंद जो होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। दूसरा मैंने ये टर्टल नेक लिया था अंदर से पहनने के लिए सर्दी में, तो ये तकरीबन 8 यूरो का था। और दूसरा मैंने अपने लिए ये स्वेटशर्ट ली थी जो कि हुडेड थी, अच्छा ये भी मुझे 8 यूरो की मिली थी। और इसके साथ मैंने जो है वो मैचिंग का जो जॉग पैंट्स होती हैं वो भी ली थी एक, तो ये एक मतलब ट्रैक सूट की तरह हो गया था। अच्छा, ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा कलर थे, तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ले लिया। और एक मैंने अपने लिए ये वाली जीन्स ली थी। अच्छा, ये जो है ना मॉम स्टाइल में है जीन, तो ये मतलब थोड़ी सी लूज़ लूज़ होती है, तो मेरे पास ये वाला स्टाइल नहीं था तो मैंने एक ये ले ली थी। अच्छा, ये 17 यूरो की थी। अच्छा, प्राइमार्क की जीन्स जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मैंने पहले भी ली हुई हैं और वो अभी तक काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लू ली थी और एक मैंने ये ब्लैक कलर में भी ली थी। ये जो है वो स्किनी फिट में है, तो एक मैंने ये ली थी, ये जो है मुझे 8 यूरो की पड़ी थी। और दूसरा मैंने अपने लिए ये वाला बैग लिया था जो कि क्रॉस बॉडी है। मेरे पास इस तरह का बैग नहीं था तो मैंने एक ये ले लिया ब्लैक में, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब थोड़ा सा फैंसी भी था और थोड़ा सा स्टाइलिश था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके साथ जो है वो आपको जो लॉन्ग बेल्ट होती है वो भी मिल रही थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने अपने लिए एक ये ले लिया। ये मुझे तकरीबन पड़ा था 14 यूरो का। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।